प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई छठे वेतनमान में 15% हाइक की तीसरे विकल्प का स्वागत किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हितों में बड़ा निर्णय लिया है, जबकि 3% डीए देने का भी ऐलान किया गया है, जिससे प्रदेश में कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। पुलिस पे बैंड विसंगति को भी मुख्यमंत्री ने ठीक करने का ऐलान किया है और पुलिस जवान भी अब 8 के बजाय 2 साल बाद एक समान नियमित पे स्केल के हकदार होंगे। पंद्रह प्रतिशत वाला ऑप्शन है वो पंजाब पे कमीशन का हिस्सा नहीं है, पंजाब पे कमीशन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आग्रह किया था कि आप हिमाचल, क्योंकि हिमाचल पंजाब को ही फॉलो करता है, तो उसमें हमने आग्रह में कहा था कि आप इसको 15% वाले ऑप्शन को भी आप अडॉप्ट करें। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऑप्शन को कहा है अनाउंस किया है। एक और विषय जो कल चर्चा में किया था कि प्रदेश के आईएएस अधिकारी, आईएफएस, आईपीएस और आईएफएस को 3% एक्स्ट्रा डीए दिया गया था, हमने मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया था तो उन्होंने आज उसको भी अनाउंस कर दिया प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग के लिए, पेंशनर वर्ग के लिए। बहुत बड़ा विषय आज, क्योंकि जिस प्रकार आज आप देख रहे 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राजस्व का दर्जा हमें प्राप्त हुआ था, उस दिन भी बर्फबारी थी, आज भी बर्फबारी, और आज प्रदेश के कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के हर वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मंच से अनाउंस किया है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की तरफ से, प्रदेश के लाखों कर्मचारी वर्ग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एक विषय बहुत ज़्यादा ध्यान में सभी पिछले दिनों से आप सभी मीडिया के माध्यम से भी रहता था, क्योंकि मीडिया बंधु हमारे जो है कोरोना वॉरियर्स में आते हैं और आपके साथ फील्ड में काम करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी वर्ग भी फील्ड में था, हेल्थ विभाग के साथ साथ आप सभी के साथ साथ वो भी जब सारा प्रदेश और सारा देश बंद पड़ा था तो वो कोरोना वॉरियर्स की तरह आप सभी के साथ फील्ड में काम कर रहे थे। उन्हें 2015 से पहले की स्थिति में वापस लाना और उनके जो 8 साल की कंडीशन लगा गई थी उसे वापस 2 साल तक रिड्यूस करना, ये बहुत बड़ा पुलिस विभाग के कर्मचारी बंधुओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है। अभी हम सचिवालय। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।